लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के रामनगर पहुंची। प्रियंका गांधी ने रामनगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने भी प्रियंका गांधी को फूल और मालाएं देकर स्वागत किया। रामनगर के पिरुमदारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष प्रेम नहीं है, केवल दिखावे की बातें हैं। उत्तराखंड के नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना देना प्रधानमंत्री का प्रेम दिखता है कि वह कितना प्रेम करते हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड व हिमाचल भूमि जो हिमाचल की भूमि है और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में उत्तराखंड को और हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, लेकिन जब हिमाचल में आपदा आई तो जहां कांग्रेस की पूरी सरकार आपदा से निपटने के लिए दिन रात इन्होंने एक कर दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह गायब थे और हिमालय और हिमाचल के विकास के लिए एक रुपया तक उन्होंने नहीं दिया। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है। होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए।